próxima. करंट अफेयर्स जो कि आपको हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से आपको सीधे सीधे प्रश्न जो है यहाँ से पूछे जाएंगे। कोई भी समस्या नहीं होगी आपको, बिल्कुल आपको परीक्षा में जो है सीधे प्रश्न मिलेंगे। और जो है मेरे दोस्तों, यहाँ से पक्का फंसना ही फंसना प्रश्न है, बिल्कुल सीधे सीधे। तो चलिए, ये 7 नंबर का वीडियो है करंट अफेयर्स का, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है, चलिए आइए देखते हैं। देख लीजिए, हाल ही में विफल हुए हाकुतो आर मिशन, क्या हाकुतो आर मिशन 1 का संबंध किससे है? हाकुतो आर मिशन का वन मिशन का संबंध किससे है? तो दोस्तों, न्यू स्पेस इंडिया से है, स्पेस एक्स से है, आई स्पेस इंक से है, या ब्लू ओरिजिन से है? तो मेरे दोस्तों, जो इसका आंसर है वो आई स्पेस इंक है। क्या है? आई स्पेस इंक से इसका दोस्तों जो है संबंध है। चलिए प्रश्न संख्या 2 पे बढ़ते हैं, सीधे सीधे प्रश्नों को हम हल करेंगे। देख लीजिए, हाल ही में मेरे मित्रों, हाल ही में देख लीजिए, हाल ही में किस देश की कंपनी, देख लीजिए, हाल ही में किस देश की कंपनी अयोध्या में बायोडीजल परियोजना शुरू करेगी? हाल ही में किस देश की कंपनी अयोध्या में बायोडीजल परियोजना शुरू करेगी? तो मेरे दोस्तों, चिली, अर्जेंटीना, बेल्जियम, या इनमें से कोई नहीं। तो जो अयोध्या में बायोडीजल परियोजना शुरू करेगी वो किस देश की कंपनी होगी? तो दोस्तों, बेल्जियम, ये बेल्जियम की कंपनी होगी। किसकी दोस्तों कंपनी होगी? बेल्जियम की कंपनी होगी। दोस्तों, ये बहुत बड़ा वर्क करने जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, इसको थोड़ा मैं स्लो छोटा करता हूँ, ठीक है। देख लीजिए, इम्पोर्टेंट प्रश्न ये भी है, हाल ही में, देखिएगा प्रश्न संख्या 3, हाल ही में मेरे दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 5T स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन के तीसरे चरण की शुरुआत की है? स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन के जो है तीसरे चरण की शुरुआत की है मेरे दोस्तों, तीसरे चरण, यहाँ पे तीसरे चरण की शुरुआत की है। इसको मैं थोड़ा छोटा और करूँ जिससे आप लोग थोड़ा देख लें, ठीक है। तीसरे चरण की शुरुआत की है, वो कौन सा देश, कौन सा जो है राज्य होगा? तो इसमें से दोस्तों, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें दोस्तों जो है वो राज्य है उड़ीसा, उड़ीसा, उड़ीसा मेरे दोस्तों राज्य है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज है। चलिए आइए देख लीजिए, कितना अच्छा प्रश्न है, कितना अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्तों, कितना अच्छा प्रश्न है, ठीक। देख लीजिए, चलिए देखिए, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2023 कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल, 24 अप्रैल, 25 अप्रैल, 26 अप्रैल, या 27 अप्रैल? तो दोस्तों जो है, जो 26 अप्रैल है, 26 अप्रैल को ही बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। बौद्धिक संपदा दिवस जो है मनाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक। आगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देख लीजिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देख लीजिए, द हेरिटेज फाउंडेशन के 29वें 29वें आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान जो है प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में दोस्तों जो भारत को स्थान प्राप्त हुआ है वो मेरे मित्रों है कितना, 131, कितना है, 131 है मित्रों, इस भारत को जो है 131 स्थान जो है प्राप्त किया गया है। चलिए 6 नंबर पे आते हैं, 6 नंबर पे आते हैं मेरे मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। देख लीजिए, हाल ही में, क्या हाल ही में 200 टी ट्वेंटी, ठीक है, विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन है?
हाल ही में 200 T20 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज अगर जो पूछा जाए तो दोस्तों कगिसो रबाडा नहीं है, हर्षल पटेल नहीं है, शाहिन शाह अफरीदी। इनका नाम है शाहिन शाह अफरीदी। ये पाकिस्तान के प्लेयर हैं। किसके प्लेयर हैं? पाकिस्तान के। ठीक, कगिसो रबाडा किस किस टीम से खेलते हैं? तो ये दक्षिण अफ्रीका टीम से खेलते हैं, दक्षिण अफ्रीका। हर्षल पटेल ये इंडिया। इस टाइम जो है ये बच्चों आईपीएल से जो है कगिसो रबाडा और हर्षल पटेल खेल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न। बहुत ही अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला है मेरे दोस्तों, देख लीजिए नेक्स्ट प्रश्न। देखिए, हाल ही में मेरे बच्चों, हाल ही में, ठीक है, हाल ही में ए रिसर्जेंट नॉर्थ ईस्ट नैरेटिक्स ऑफ चेंज, ये बुक जो है अभी बहुत ही जल्दी आई है। बुक बहुत जल्दी आई है और बहुत इम्पोर्टेंट बुक है, बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है मेरे दोस्तों। तो नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये दोस्तों पुस्तक जो है लिखी है आशीष कुंद्रा ने। किसने लिखी है? आशीष कुंद्रा ने ये पुस्तक लिखी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाला है। ठीक है, देखिए, हाल ही में मेरे दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में महंगाई राहत शिविर शुरू किया गया? महंगाई राहत शिविर शुरू किया गया। इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट करेंगे। महंगाई राहत शिविर किस जो है राज्य में शिविर जो है शुरू किया गया? इस प्रश्न का आंसर आप लोग दोस्तों जो है कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है ये। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न को जो है आप लोग बताएंगे। ठीक है, आप लोग बताएंगे। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हाल ही में दुनिया का, ठीक, ये देख लीजिए, यस, हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 900 फुट गहरा ब्लू होल कहाँ खोजा गया है? ब्लू होल कहाँ खोजा गया है दोस्तों? तो दोस्तों ये खोजा गया है कहाँ पर? मैक्सिको में खोजा गया है। कहाँ खोजा गया है दोस्तों? मैक्सिको में जो है ये 900 फुट गहरा ब्लू होल खोजा गया है। ठीक है, कहाँ? 900 फुट गहरा जो है मेरे दोस्तों, ठीक, ये ब्लू होल खोजा गया है। ठीक, कहाँ पे खोजा गया है? मैक्सिको में। चलिए 10 नंबर देख लीजिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे दोस्तों, देख लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखानुमान 2019-20 के अनुसार केंद्र सरकार स्वास्थ्य जीडीपी पर कितने प्रतिशत व्यय करती है? तो केंद्र सरकार जो है स्वास्थ्य जीडीपी पर 1.35% जो है खर्च करती है। कितना करती है? खर्च करती है 1.35। अभी हमने एक क्वेश्चन आपको जो बताया था, देख लीजिए, हाल ही में किस राज्य ने महंगाई राहत शिविर शुरू किया? तो दोस्तों इसमें राजस्थान होगा। क्या होगा? राजस्थान इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। डेली आपको करंट अफेयर श्रृंखला अगर लेनी है तो स्टडी विद नीरा सर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो आप तक आए और आपका सिलेक्शन हो मेरे दोस्तों। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, फिर मिलेंगे, बाय बाय।